मिर्जापुर नवरात्रि के तीसरे दिन आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुँचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश और ओला पड़ने से हुई फसलों के नुकसान के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आकलन करने का निर्देश दिया गया है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही अन्य योजनाओं से किया जाएगा। प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए गए टिप्पणी कि वे अपने साथ शूद्रों को लेकर चलते हैं के जवाब में कहा कि बाबा जी समाज के सभी तबकों से जुड़े लोगों को अपने साथ रखते हैं। भाजपा का मूल मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास, जबकि अखिलेश यादव अपने साथ माफियाओं और सरगनाओं को लेकर चलते हैं। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। सरकार ने उसके लिए सभी जिलाधिकारियों को यह कहा है कि वो सर्वे करें और सर्वे की रिपोर्ट वो भेज रहे हैं। जिन जनपदों के भीतर ज्यादा क्षति हुई है उनको रिपोर्ट आने के बाद उनको क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर जो किसान अच्छा दिखते हैं जिन्होंने केसीसी के माध्यम से या बिना केसीसी के भी बीमा कराई है तो उनके भी सर्वे का काम मुख्य निर्देश दिए हैं कि सर्वे किया जाए और जो सर्वे के परिणाम स्वरूप टॉप कटिंग के बाद जो परिणाम आएंगे उनको उसकी क्षति। कल खरीफ के मौसम का 462 करोड़ 80 लाख रूपये की धनराशि 9 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भेजी गई है डिजिटल माध्यम से जो है वो भारत सरकार के द्वारा कल एक नया ऐप का शुरुआत हुआ उसके माध्यम से वो पैसा हमारे प्रदेश के किसानों को 9 लाख से ऊपर किसानों को धनराशि कल ही पहुंची है। तो लगातार इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खुशील है कि किसानों को कैसे उनको आगे बढ़ाई जाए और उनको खुशहाली लाई जाए। यदि कहीं दैवीय आपदा आती है उसके लिए एक नियम बने हुए हैं, उन नियमों के भीतर यदि वो आते हैं तो उनको क्षति। जैसे अखिलेश यादव ने बोला है कि मुख्यमंत्री जी अपने आजू बाजू शूद्र को लेकर रहते हैं, इसके बारे में क्या? अखिलेश यादव ने कमेंट किया है कि मुख्यमंत्री जी अपने आजू बाजू शूद्र लेकर बैठते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनको क्या आपत्ति है उसके ऊपर? आप उनके तो सहयोगी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो अनेक प्रकार के ऐसे गुमराह लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को महान है कि सब आदमी को समाज में किसी को बिना भेदभाव के योगी जी समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं और वो जो है वो माफियाओं और सरगनाओं को साथ लेकर के चलते हैं। तो फर्क तो यही है कि महाराज जी जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हर सामान्य आदमी से लेकर के और हर स्तर के लोगों को साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका प्रयास, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसी आधार पर उनकी सरकार और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं जाती भेदभाव नहीं। विपक्ष अपने कारणों से समाप्त हो रहा है। अब यहाँ जब कोई नहीं उनको विपक्ष का मिला तो अभी बंगाल गए थे, वहां से भी खाली हाथ लौट करके आए हैं, वो तो अपने आप समाप्त हो रहे हैं। भाजपा को क्या समाप्त कर, भाजपा अपना काम कर रही है, भाजपा बूथों पर जा रही है, भाजपा बूथों का सशक्तिकरण कर रही है। 365 दिन लगातार जनता की सेवा में भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनकी कठिनाइयों का समाधान करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, इसलिए जनता भाजपा के साथ। लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा विपक्ष को, उनका यह आरोप है। किसका? राहुल गांधी का। उनको देश से माफी मांगना चाहिए जो विदेश की धरती पर और उन्होंने भारत की निंदा की है और भारत के बारे में लोगों के भीतर अविश्वास पैदा करने की जो कोशिश की है उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं माफी मांगते हैं? अपने देश की बात, अपने देश में अभी तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, अब वहां विदेश में जाकर के भारत तोड़ो यात्रा शुरू की है। उन्होंने लंदन के भीतर और अमेरिका के भीतर जो उन्होंने कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भीतर, वो अत्यंत ही निंदनीय है और वो क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। उनको देश से माफी मांगना चाहिए।